रहाम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल सो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एम टी एच थ्री जीरो वन के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं फोर्टी वन से लेके फोर्टी फाइव तक वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ सो so, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेबर नए आए हैं लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सो so, नंबर हमारे पास जो वन है चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज़ इवन आट और नेदर सो स्टूडेंट हम इससे कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन कब इवन है कब ऑट है कब जो है वो नेदर इवन नेदर ऑट सो स्टूडेंट्स हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो भी फंक्शन होता है लाइक मैं अगर एक्स स्क्वायर की बात करूं एफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स का स्केयर अब अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि अगर मैं एक्स की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस कर दूँ और फंक्शन को बिल्कुल भी चेंज फंक्शन में बिल्कुल भी चेंज ना आए तो ऐसी सूरत में हम कहते होते हैं कि फ़ंक्शन हमारे पास इवन है लाइक अगर मैं माइनस एक्स यहाँ पर वोट करता हूँ तो मुझे बताया माइनस एक्स का स्केयर उसे दोबारा से एक्स का स्केयर ही बना देगा तो जैसा था फंक्शन वैसे का वैसा ही फंक्शन रह जाता है तो ऐसे फंक्शन के लिए हम क्या नाम देते हैं कि हमारे पास इवन फंक्शन होते हैं जिसमें माइनस एक्स के रिप्लेस करने से एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करने से चेंज ना आए और आर्ड फंक्शन क्या होते हैं तो आर्ड के बारे में बता दूं अगर आपके पास फंक्शन लाइक like, अगर मैं कहूँ एक्स है ठीक है एफ एफ एक्स टू एक्स अब अगर मैं एक्स की जगह पर क्या कर देता हूँ माइनस वन को रिप्लेस कर दूँगा यानी अगर मैं लिखूँ माइनस एक्स इज़ इक्ल टू तो वो एक्स माइनस का आप देखें माइनस को छोड़ के आपके पास ये सारा दोबारा हासिल हो रहा है अगर तो इस तरह का केस आ जाए कि आपका जो माइनस आपने पुट किया है वो ओवरऑल क्वेश्चन से बाहर आके दोबारा से फंक्शन को बना रहा है तो इस सूरत में हम कहते होते हैं कि फ़ंक्शन हमारे पास जो है वो ऑड है ठीक है अगर दोनों ही कंडीशनें जो हैं वो सेटिस्फाई ना हो ना तो बाहर कॉमन आए ठीक है थेके? और ना ही फंक्शन दोबारा वही बने तो उस वक़्त हम कहते हैं कि नाइदर एवन और नाइदर आट ठीक है सो so अगर हम कंपोजिट फंक्शन की बात करें तो देखें इसमें दो चीज़ें आ रही हैं एक्स का स्क्वायर भी आ रहा है और ई e की पावर एक्स भी आ रही है तो इस केस में हम दोनों को अलग अलग चेक करेंगे एक्स स्क्वायर हमारे पास अलग होगा जिसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एवन फंक्शन होता है जबकि ई e की पावर एक्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट देखें जैसे ही मैं इसकी जगह पर माइनस एक्स पहले तो मैं इसे एक्स रखता हूँ जैसे ही मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स बन जाएगा अब ये माइनस यहाँ से कामन बाहर तो आ नहीं सकती ठीक है ना ये दोबारा माइनस कामन ले बन रहा है ना माइनस ख़त्म हो रही है सो ये वाला पार्ट जो होगा ये नाइदर इवन नादर ऑड ठीक है लेकिन ये वाला क्या है इवन है तो अगर इस तरह का केस आ जाए कि हमारे पास इसमें एक पार्ट जो है वो नायदर इवन और नैदर रोड का है तो कंपोजिट फंक्शन हमारे पास जो टोटल होगा वो भी हमारे पास नायदर इवन नॉर रोड उसने यहाँ पे बता दिया है कि हमारे पास जो जीओ एक्स जो कि एक्स केयर उसने लेट किया था वो इवन ही है लेकिन जो एच ओफ एक्स जो कि एक ही पावर उसने लेट किया हुआ है वो हमारे पास दोनों में से नहीं है लिहाजा ओवरऑल हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास नायदर इलेवन एंड उ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और आउट तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर कॉज की बात करूँ काज पे स्कीयर अगर ना भी होता सिंपल भी कॉज हो ना तो हमने पढ़ा हुआ है कि कॉज़ के अगर एंगल में माइनस आ जाता है ना तो कॉज उस माइनस को ख़त्म कर देता है ठीक है वो कॉज ऑफ चीटा ही रहता है ये काज़ और सीकन बाद फंक्शन है जो माइनस को ख़त्म कर देते हैं जिस तरह है एक्स क्योर माइनस एक्स कीयर माइनस को ख़त्म कर देते हैं सो so, हमारे पास ये टर्म हमारे पास हो जाती है इवन लेकिन अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन के एंगल में अगर माइनस हो तो वो बाहर आ जाते हैं ठीक है ठीके? अब अगर इस तरह से आ जाए कि एक इवन बन रहा है और एक ऑड बन रहा है तो ओवरऑल आपने क्या करना है आपने फंक्शन को ऑड बना देने है ठीक है सो so, ये देखें उसने कॉज वाले को कह दिया जी कि ये हमारे पास इवन फंक्शन है जब साइन की बारी आई है तो उसने कह दिया वो माइनस बाहर आ जाती है तो एक इवन और है द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड इज़ द ऑड सो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा ऑड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी के कंसिडर द प्रोडक्ट फॉर्म फंक्शन आपको गिवन है एफ एफ एक्स आपने डिटरमाइन करना है बाय द फोर ईयर सीरीज फोर ईयर कॉफिशेंट है ए नॉट ए एन एंड बी एन जब भी आपने इनको चेक करना है तो आपने सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है क्या ये इवन है या ऑड है ठीक है चूँकि अगर तो फंक्शन इवन हुआ तो जब हम उसमें लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो वो सेम होने से कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगा यानी कि ये हमारे पास इवन नहीं होना चाहिए अब यहाँ पे देखें एफ एफ एक्स है मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ अगर आपके पास फंक्शन एफ एफ एक्स है ए नॉड बी इन का मतलब होता है कि आपने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है लिमिट के साथ एन का मतलब होता है कि आपने साइन फंक्शन सॉरी कोज फंक्शन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपका फंक्शन गिवन होता है और बी एन का मतलब होता है कि आपने उसी फंक्शन को साइन के साथ इस्तेमाल करना so, है साइन के साथ सॉल्व करना है सो अब यहाँ पर देखें एक्स एक्स के बारे में अभी बता चुका हूँ कि ये मेरे पास ऑड फंक्शन होता है इसमें से माइनस का अमल ले कर ईजीली दोबारा मिल जाता है तो चूँकि जी है इवन नहीं है अगर इवन नहीं है तो इसका मतलब है जब मैं इसकी इंटीग्रेशन लूँगा एक्स क्योर व टू या मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो पाए का स्केर माइनस पाए का स्की्योर जीरो हो जाएगा इस तरह से आपके पास कॉस वो भी इवन फंक्शन होता है वो भी जीरो शो करवा देगा सो so, इसीलिए उसने लिखा है बिकॉज ये जो आपका फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है सो फंक्शन इज ऑड इस इंटरवल पे देन एफ एफ एक्स की सीरीज़ जो है वो कंटेन करेगी सिर्फ और सिर्फ ओनली साइन टर्म को ठीक है क्योंकि साइन ऑड होता है साइन पे काम होगा इवन वाले ज़ीरो हो जाएंगे ठीक है सो साइन पे काम किस तरह से होगा ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है बी एन को फाइंड करने का बी एन इजल टू वन ओवर ये माइनस पाई टू पाई हमारे पास लिमिट थी एफ़ एफ एक्स साइन एक्स अब एफ एफ एक्स में हमारे पास एक्स आ जाएगा लिमिट भी हमारे पास आ चुकी है सो so अब ये वहाँ पे टू कैसे आया देखें ये बन जाएगी मेरे पास माइनस पाए टू ज़़ीरो फिर ज़ीरो से पाए तो दो चीज़ों को इकट्ठा करके अगर आप ज़ीरो से पाए बोल देंगे तो आप साथ टू लगा देते होते हैं ये टू इस वजह से आया चूँकि उसने नीचे से लिमिट को चेंज कर दिया है साथ में वैल्यू पुट कर दी फिर इंटीग्रेशन का रूल आपको पता है कैसा होता है कि हमारे पास एक्स को छोड़ दिया जाएगा ठीक है साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस कॉस माइनस बाहर आ जाएगा एन एक्स और एंगल का डेरिवेटिव जो कि एन बन रहा है वो बटे में आ जाएगा <coughs> इसी तरह माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या है आपके पास ये सारा कुछ ठीक है ये दोबारा यहाँ पे आने है कॉज एन एक्स बटे में एन और साथ में जो एक्स है इसका डेरिवेटिव ले, ले लेना होता है वो वन हो जाना था तो वो शो नहीं हो रहा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है बाकी वन ओवर एन उसने बाहर कॉमन ले लिया है बाकी कॉज एन एक्स आपको पास नज़र आ रहा है ठीक है दोबारा सुन लें इंटीग्रेशन किस तरह से लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके पास दो फंक्शन होना एफ एफ एक्स एंड जी एक्स जैसा कि एक्स और साइन एक्स ये दो फंक्शन है तो इंटीग्रेशन का रूल इस तरह से होता है कि आपने फ़र्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है जैसा कि के पहले केस में एक्स को छोड़ दिया है ठीक है और इंटीग्रेशन आपने लेनी है जी एफ एक्स अब जो भी आंसर आ जाएगा आगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे जो आंसर बनेगा इंटीग्रेशन ले के वो आपने लिखना है इसलिए मैं इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फैक्टर लिख रहा हूँ और डेरिवेटिव ऑफ़ फर्स्ट फंक्शन जो कि आपका एफ एफ एक्स तो इस रूल के मुताबिक मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया था उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी ये भी एन था बटे में ये भी एन था बटे में तो एन ओवरऑल कॉमन ले लिया जो कि यहाँ पे, जो के नजर चुके नज़र आ रहे हैं और उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स जब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे माइनस पाए कॉस एन एक्स और जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो अभी इसमें लिमिट नहीं पुट की गई बल्कि जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास साइन एन एक्स ओवर एन जबकि आपको इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन नज़र आ रही है और अभी लिमिट इस पर अप्लाई नहीं की गई नेक्स्ट टर्म में इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे साइन पाई पे भी ज़ीरो होता है और साइन ज़ीरो पे भी जीरो होता है जिसकी वजह से ये वाला सारा पोर्शन ख़त्म हो जाता है और ये वाला पोर्शन आपके पास बच जाता है जिसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाता है ठीक है टू बचता है ऊपर और कॉज एन पाई बाय पाई, पाई, पाई एन ठीक है पाई से पाई कैंसिल हो चुका था और माइनस सात आ रहा है तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है जी तो हमने यहाँ पे क्या किया जी उसके बाद उसको हमने जीरो प्लस किया तो नो चेंज दैन फिर जो कि हमारे पास एन पाई है कॉज के साथ एन पाई का मतलब होता है कि कॉज जब ज़ीरो होगा तो जीरो पे वैल्यू वन होती है जब एन की वैल्यू वन आएगी तो वो एक सौ अस्सी हो जाएगा और वहाँ पर माइनस वन होती है तो एक दफ़ा वन एक दफ़ा माइनस वन एक दफ़ा वन एक दफ़ा माइनस वन तो इसी वजह से हम उसको जनरल फॉर्म इस तरह तो से लिख देते हैं कि माइनस वन की पावर एन आपका का एन डिपेंड करेगा के आंसर वैल्यू जो है वो नेगेटिव आना है या पॉजिटिव आना है ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है डिटरमाइन द फोर एयर कॉफिशन ए नॉट फॉर द प्रोडक्ट फंक्शन एफ एफ टी टू बी अ पीरियड ऑफ फोर सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें पीरियड ऑलरेडी बता दिया है हमें वैसे भी बता था माइनस टू से लेके कर ज़ीरो टू यहाँ पे और फिर जीरो से टू फोर तो फोर इसका पीरियड है ठीक है और हमने सिर्फ और सिर्फ़ ए नॉट को फाइंड करना है ठीक है अब आपको ए नाट को फाइंड करना है आपको इसका फार्मूला भी आना चाहिए तो ए नाट इक्वल टू हमारे पास ठीक है टू बाई टी और एफ एफ टी माइनस टी बाई टू से पॉजिटिव का टी बाई टू इसकी लिमिट अब आपने टी कैपिटल टी इज़ द टाइम पीरियड ठीक है फंक्शन का पीरियड सो so, अब हमने वहाँ पे वैल्यूज़ की दर्ज कर दिया जी टू बाई फोर जहाँ जहाँ पे पीरियड के मुताबिक वैल्यू जो है पुट करने के बाद हमने क्या करना है उसको इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग कर दिया ज़ीरो से पॉजिटिव जीरो माइनस टू से पॉजिटिव टू थी लिमिट तो मैंने माइनस टू से ज़ीरो ज़ीरो से टू आप यहाँ पे भी वो काम कर सकते थे कि टू बाहर निकाल लें और ज़ीरो से टू करके एक ले लें लेकिन क्यों नहीं किया चूँकि उनके आंसर अलग अलग हैं ठीक है ज़ीरो से टू का आंसर ज़ीरो है और माइनस टू से ज़ीरो का आंसर वन प्लस टी है इसी वजह से हमने वहाँ पे इस केस में ये काम नहीं किया सो so, इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना था हमने वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है माइनस टू से ज़ीरो से ले माइनस टू से ले कर ज़ीरो तक का आंसर ये और ज़ीरो से ले कर टू तक का आंसर ज़ीरो था पुट कर दिया गया बाद में इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और आपका आंसर आपको मिल जाएगा इसी तरह से जब हम बी uh, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हमें फंक्शन गिवन है जैसा कि आपको पता है बी एन जब आता है तो हमारे पास किसकी वैल्यू इस्तेमाल होती है साइन की तो हमने साइन फंक्शन के साथ इसको सॉल्व करने है ठीक है और ज़ीरो टू टू उसने हमें लिमिट दी हुई है लिमिट पुट कर दी बाकी मैं आपको इंटीग्रेशन का बता देता हूँ कि ये कैसे हो रही है सो इसमें भी पार्ट इंटीग्रेशन लग रही है जो मैंने आपको बता के आया हूँ ठीक है कि इस फंक्शन को छोड़ दिया जाएगा साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स और डेरिवेटिव नीचे लिख दिया फिर माइनस माइनस के बाद क्या लिखा है जी ये टू कहाँ से आया अब बेसिकली किया क्या गया है इस फंक्शन को एज एजा एजिटिव यहाँ पर लिखा गया है ठीक है और जो पहले फंक्शन छोड़ा गया था इसका डेरिवेटिव लिया इसका डेरिवेटिव आना था टू एक्स का टू टू का ज़ीरो तो वो टू सामने बाहर आ चुका है ठीक है नेक्स्ट टर्म में फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो पाए बाय एन जो है ये तो ऑलरेडी एक बटे में था ही ना कॉज का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो पॉजिटिव का साइन ठीक है ये माइनस इन से पॉजिटिव कर दिया ऑलरेडी तो पॉजिटिव का साइन पाए एन एक्स बटे में एन पाए जो आना था उसने ऑलरेडी जो एन पाए था उसको स्केयर में बना दिया ठीक है बाकी मैंने किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की अब हमने क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अपर लिमिट में हमारे पास क्या आ जाता है जहाँ जहाँ पे एक्स है पहले हमने वहाँ वहाँ पर टू करना है फिर नेक्स्ट में जहाँ जहाँ पे एक्स हो वहाँ वहाँ पर ज़ीरो करना है ठीक है तो देखें जब मैं टू पुट करता हूँ टू टू फोर फोर टू सिक्स तो माइनस का सिक्स इस पार्ट से मिला आपको तो यहाँ पे जब आप टू बाईन एक्स की जगह पे टू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको टू पाए अब टू पाए मतलब कि वहाँ पे cos की वैल्यू तो वन होती है ठीक है और बटे वाला आपके पास पाईन जो है वो वैसे का वैसे रह जा जाएगा इसकी वैल्यू वन हो चुकी थी अब जब मैं इस केस में आता हूँ तो टू पाए पे साइन ज़ीरो होता है जिसकी वजह से वो वैल्यू ज़ीरो शो करा देता है इसी वजह से टू का आंसर इसके लिए आंसर नहीं आया नेक्स्ट में चला चलता हूँ जी ज़ीरो के लिए जब ज़ीरो यहाँ पे आएगा पुट करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ टू रह जाएगा साइन ज़ीरो पे वन होता है तो वो टू साथ में मेरे पास क्या हुआ जी कि ये वाला जो माइनस है ठीक है ये वाला माइनस तो ये माइनस का क्या सीन था यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जब पहले टू पुट करते थे तो हमें आंसर पॉजिटिव का मिलना था तो ये वाला नेगेटिव साथ रह जाना था जब हमने ज़ीरो पुट किया है तो वो पाई से नेगेटिव वन होना था तो इसने जो इसे नेगेटिव करना था वो दोबारा पॉजिटिव हो चुका है ठीक है इस तरह से फिर हमने इनको जब सॉल्व किया माइनस सिक्स पॉजिटिव का टू चुके एलसीएम सेम था तो वो माइनस का फोर बाय पाई नाना आपको मिल चुका है इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ जाता है कि आपने बी एन को फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट फंक्शन आपको गिवन है तो आपको पता है बी एन के साथ साइन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम है आप इस पर ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फोटी फोर एंड फोटी फाइव का है तो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि फाइंड द लेपलस ट्रांसफॉर्मेशन के आपने लेपलस जो है वो ट्रांसफॉर्म आपता फ़ंक्शन का फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट इसमें एम सी के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखें जब भी आपके पास आपके पास दो तीन तरह के फंक्शन होंगे एक तो आपके पास एक्सपोनेंशियल होगा अलजेब्रिक होंगे ठीक है और ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे कंपोजिट होंगे तो ई e की पावर फाइव टी ठीक है अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला ये होगा कि आपने उसे वन ओवर एस माइनस ए यानी अगर ई की पावर फाइव टी है तो वह एस माइनस फाइव हो जाता है ए की पावर टू टी है तो क्या हो जाएगा बेसिकली वन ओवर एस माइनस टू बन जाएगा ठीक है इसी तरह से आपके पास जो भी ए की पावर में होगा वह एस के साथ माइनस हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि अगर आपके पास हो टी की पावर फाइव तो देखें ये हमारे पास अलज्रिक चीज़ आ जाती है इनका मेथड ये होता है कि आपके पास पावर में जो भी चीज़ मौजूद हो ठीक है आपने उस चीज़ का फैक्टोरियल ले लेना है ठीक है पावर अगर फ़र्ज़ करें पावर पाँच है तो ऊपर बन जाएगा पाँच का फैक्टोरियल नीचे आपने एस की पावर में एक अजाफ़ा करना है यानी एस की पावर सिक्स तो जनरल फार्मूला क्या होगा आपके पास कि जितने ऊपर पावर है उतना फैक्टोरियल बटे में एस की पावर में एक पावर से इजाफा कर देना है ठीक है तो ये आप देख सकते हैं फार्मूला फिर पाँच के फैक्टोरियल क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया एक सौ बीस बाई एस के सिक्स तो ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या रूल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसा होता है आपके पास कि आपके पास जो भी एंगल में होता है ना चीज़ उसने ऊपर भी आना है ठीक है और एस स्कीयर प्लस ए स्कीयर फार्मूला आपका ये होगा तो यहाँ पे मिस्टेकनली उसने टू लिख दिया है यहाँ पर बेसिकली क्या आना है फाइव आना है ऊपर ठीक है नीचे एस का स्केयर और प्लस ट्वेंटी फाइव यानी कि आपके एंगल का स्कीयर अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है साइन की थ्री टी होता तो क्या बनना था हमारे पास थ्री एस स्केयर प्लस नाइन ठीक है साइन ऑफ थ्री टी एंगल में जो भी होगा ठीक है तो नेक्स्ट हमारे पास अगर कंपोजिट फंक्शन हो जाते हैं ए की पावर भी आ रहा है कॉज थ्री टी भी आ रहा है ये होगा कि हमने इस फार्मूले को जेर में रखना है कि आपके पास जो ई e की पावर में है वो हमारे पास अब ए होगा जो एंगल में है अब वो हमारे पास बी होगा यानी कि आपका जो ई e की पावर वाला पोर्शन है ना इसने एस के साथ होना है माइनस यानी एस माइनस टू और जो एस माइनस टू का स्केयर भी और साथ में आपने जो इसको स्केयर लेते होते थे वो वैसे रखने ठीक है यानी आपने एंगल का स्केयर को चे, नहीं चेंज करना वो जो है आपने उसका स्केयर वैसे ही लिखना है एस के साथ लेकिन आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या कोई भी चीज़ कंपोजिट के फॉर्म में आ जाता है एक्सपोनेंशियल खास तौर पे तो आपने उसको इस तरह से लेना है कि आपने एस में से माइनस कर देना है जितनी पावर होगी अगर ई की पावर फाइव फाव टी होता तो आपने एस माइनस फाइव करना था नीचे भी एस माइनस फाइव का स्केयर और जो भी एंगल कट्रिग्रोमेट्रिक का एंगल होता है उसको आपने स्केयर साथ लिखना है एडिशन के फॉर्म में नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जी अलजरी तो जो मैं आपको बता चुका हूँ आप अलग अलग इन पे काम कर सकते हैं इसका देखेंगे तो यह बन जाएगा मेरे पास फोर का फैक्टोल सॉरी थ्री है तो थ्री का फैक्टोरियल बट एस के फोर इसका देखेंगे सिंगल टी है तो ये बन जाएगा मेरे पास वन का फैक्टोरियल वन ही होता है बाईस के स्क्यर आ जाएगा जिसके साथ कुछ भी ना हो तो वो वन ओवर एस बन जाते हैं ठीक है, है? <coughs> इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट आपने लेप uh, ट्रांसफार्मेशन के बारे में फंक्शन आया था कि आपने एफ एफ टी को शो करवाना है कि इसका आंसर जो है वो वन ओवर एस की टू है वे आर एस इज़ द कॉन्स्टेंट फॉर द इंटीग्रेशन फॉर ऑल एस ग्रेटर देन जीरो इसके लिए स्टूडेंट आपने सबसे पहले क्या करना है आपने मैथ इसका जो मैथमेटिकली फार्मूला है आपने उसको जहन में रखना है कि आपके पास जीरो टू पॉजिटिव इन्फेंटी जो कि कंडीशन में किया दिया गया था ई e की पावर माइनस एस टी एफ एफ टी डेट डेटी ये उसके जो आपके पास लेपट ट्रांसफॉर्म है या आपके पास उसका फार्मूला है ठीक है अब आपके पास फंक्शन क्या है फंक्शन आपके पास एफ एफ टी का जो है वो सिर्फ टी ही है तो आपने क्या करना है फंक्शन को एफ एफ टी की जगह पे टी पुट कर दिया ठीक है ए की पावर माइनस एस टी ज़ीरो टू पोस्टी आपकी कंडीशन थी अब आपने क्या करना है इस पर बाई पार्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है ठीक है तो अब देखें लिमिट किस तरह से चेंज हो रही है नीचे ज़ीरो से एल क्या आया जी तो एल हमारे पास देखें ना हमारे पास स्टूडेंट्स एल हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखें चूँकि हमने कहा है कि ये पॉज़िटिव इन्फिनिटी है तो हमने लिमिट में जाने के लिए हमने एक नंबर एल ले लिया जिसको हमने कहा है जी कि वह एक ज़ीरो से पॉज़िटिव इन्फिनिटी तक जाएगा तो एल मीन यहाँ पर वही चीज़ है अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी टी को छोड़ दिया जाएगा ए की पावर माइनस एस टी के जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इक, एक दफ़ा वैसे लिखेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का एस ठीक है जो कि बटे में लिख दिया जाएगा ठीक हो गया और साथ में माइनस भी आने देन अगेन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे साथ में टी भी था फिर क्या होगा ए की पावर माइनस एस टी बटा माइनस एस और टी का डेरिवेटिव वन आपको वन नज़र भी आ रहा है तो उसके बाद क्या होगा जी हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे चूंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट किया है तो टी की जगह पे जब मैं एल पुट करूँगा और ये जो वन ओवर आपको नज़र आ रहा है ना जब ये बटे में जाएगा तो चूँकि एल टू इनफिनिटी है किसी भी चीज़ का बटा अगर इनफिनिटी हो जाए तो वो चीज़ ज़ीरो बन जाती है ठीक है लिहाजा ये वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा सही हो गया सो so, नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा जी कि अगर जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो माइनस वन ओवर एस का स्केयर ऑलरेडी है इसमें जब हम आएंगे ना प्रोसेस टू लिमिट अप्लाई करने समथिंग ओवर इनफिनिटी तो वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा साथ में माइनस जब मैं ज़ीरो पुट करूँगा किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो वन होती है ये मेरे पास ज़ीरो बन जाएगा माइनस का वन और ये माइनस आपस में क्या कर देंगे प्लस हो जाएंगे और ये सॉरी स्केयर था यहाँ पे तो वन ओवर एस का स्केर आपको नीचे मिल जाएगा बाकी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं ठीक है क्योंकि अगर मैं पिछले टर्म की बात करूँ तो इसका बेटे में अगर वन ओवर इन्फिनटी ज़ीरो बन रहा है तो आगे भी ज़ीरो था जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है ये चीज़ ख़त्म हो जाती है ठीक है सिर्फ और सिर्फ वन ओवर एस का स्क्वायर बचता है और यही हमने प्रूव करना था नेक्स्ट हमारे पास लेपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास एस माइनस टू बनेगा और दूसरा हमारे पास कॉज है तो एस माइनस टू का होल स्क्वायर और वन का स्क्वायर वन ही होता है जी आप देख सकते हैं एस माइनस टू एस माइनस टू का होल स्क्वायर वन का स्क्वायर वन फॉर्म ओपन करके उसने क्या कर दिया प्लस माइनस करके सिंपली सॉल्व कर, कर दिया जी तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इनवर्स लैपलेस ट्रांसफार्म के क्वेश्चन आ जाते हैं सो so, इसमें हमने क्या करना है हमने रिवर्स चीज़ों को फाइंड करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे अब हम क्या करेंगे जी हमें आ, अब इस चीज़ को हमें देख के अंदाज़ा हो रहा है जी कि हमने यहाँ पे फोर है ना तो बेसिकली फोर टू का स्क्योर होता है तो हमने क्या करना है थ्री तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद ही है ना हमने टू से डिवाइड भी कर देना है और टू से मल्टीपल भी कर देना है और नीचे एस का स्केयर है और फोर हमें पता है कि टू का स्केयर होता है ठीक है और ये चीज़ मुझे आइडिया है जी कि ये मेरे पास साइन टू टी होता है ये मेरे पास थ्री बाई टू वैसे का वैसे और ये साइन टू टी जो तो कि आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एल इनवर्स टू बाई एस प्लस फाइव का पावर फोर है सो so इसमें भी हमने क्या करना है सबसे पहले हमने इसमें भी जो है क्या करना है जी कि ये चूँकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी शो हो रहा है इसमें तो बेसिकली हमारे पास टू एज एजिटिव रह जाएगा ऊपर ठीक है ये आप ऐसे करेंगे इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं जी हम थ्री से मल्टीपल भी कर रहे हैं डिवाइड भी कर रहे हैं मल्टीपल ऑलरेडी टू जो है वहाँ से मल्टीपल होकर सिक्स हो जाता है और नीचे एस प्लस फाइव का होल स्क्वायर रह जाएगा उसके बाद हमें पता है जी सिक्स जो होता है वो बेसिकली थ्री का फैक्टोरियल होता है ठीक है सिक्स थ्री का फैक्टोरियल होता है तो ये देखिए उसने फैक्टोरियल को वहाँ पे शो करवा दिया अब वन ओवर थ्री हमारे पास ऑलरेडी सेपरेट है ये तो एंड तक जैसे रहेगा इसको हमने कुछ ही नहीं कहना अब हमारा सारे का सारा प्रोसीजर किस पे चला जाएगा इतने हिस्से पे आ जाएगा ठीक है और हमें पता है जब हमारे पास थ्री का फैक्टोरियल शो हो रहा है तो अगर हम देखें तो थ्री का फैक्टोरियल ओवर एस की पावर फोर अब एस के पावर फोर कैसे शो हो सकती है अगर मैं इस प्लस फ़ाइव को यहाँ से ख़त्म करूँ और इसे ई की पावर के साथ अटैच कर दूँ हमें पता है ना कि ई की पावर में जो भी चीज़ होती हैं वो एस के प्लस के बटे में आ जाती हैं तो मैंने ये वाला प्लस यहाँ से उठाया और इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म बना दी ठीक है अब ये वन ओवर थ्री और ई की पावर माइनस फाइव टी ये तो बन चुके हैं नेक्स्ट हमारे पास एल इनवर्स किस पर चला जाएगा इस चीज़ पर चला जाएगा और ये मुझे पता है ये मेरे पास थ्री का क्यूब है इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे ये मिलना था तो इस तरह से मैंने इसको भी इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया इस तरह मैंने तीनों अलग, अलग अलग बनाते हैं हूँ ठीक है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी ए की पावर थ्री टी साइन फोर टी हमारे पास ये वाला ये पोर्शन है ठीक है हम इसे इस लिख देंगे जी फोर और ये मेरे पास बन जाएगा जी एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस फोर का क्या बन जाएगा सिक्सटीन जी तो एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर का सिक्सटीन जी तो आप देख सकते हैं जी हमारे पास इसको फिर फार्मूला ओपन कर दिया गया ए की दो प्लस बी की दो माइनस दो है बी उसके बाद प्लस माइनस करके हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है तो आई होप कि आप लोगों को इसका कंसेप्ट मिल चुका होगा अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लाजमी उसे डिस्कस कर लें